एक अननोन ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने के बाद पकड़ाला रेलवे स्टेशन से हम लोग रवाना हो गए हैं। सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग जो है टर्की की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से फिर हमारी गाड़ी जो है ना ऊपर की तरफ चढ़ेगी पहाड़ पे। फिर टर्की से जो ट्रेन के मुड़ने के नज़ारे होंगे ना वो देखने वाले हैं। बीच में मेन लाइन जा रही है और दोनों साइडों पे जो है लूप लाइन है क्रॉसिंग के लिए। लॉन्गेस्ट कर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अभी कर्व होता हुआ जा रहा है टर्की की तरफ। पहुंच चुकी है और अभी हम लोग जो है टर्की रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और शानदार एरिया है ये। एक रेल फेनिंग स्पॉट भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास डिजिटल कैमराज हैं तो आप यहाँ पे आके डिजिटली जूम करके वीडियो को बड़ा खूबसूरत अंदाज से आप बना सकते हैं। यहाँ से गुजर खान का जो एरिया है वो स्टार्ट होने वाला है। ये है वो खूबसूरत टर्की रेलवे स्टेशन जिसके Thank you.
बाद एक और आएगी। थोड़ी सी मुड़ेगी फिर देखना, गुजर खान रेलवे स्टेशन पे अभी हमारी ट्रेन ने अप्रोच बनाई है। अब यहाँ पे इंतज़ार करेंगे जब तक हमें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस क्रॉस नहीं करती, क्योंकि डाउनसाइडिंग से ग्रीन लाइन आ रही है और वो पहुँच चुकी है गुजर खान रेलवे स्टेशन पे, अब से कुछ देर में आने वाली है। तो टाइम हमारे पास हो रहा है यहाँ पे 4:45 और आ गई।
ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आ गई है सामने। गुज्जर खान रेलवे स्टेशन की खूबसूरती और वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। ऐसी खूबसूरती अगर हर स्टेशन पे हमें देखने को मिले तो मैं तो समझूंगा कि हम लोग जो है ना किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। कराची डिवीज़न के जो स्टेशंस हैं उनका तो हाल ही बड़ा खस्ता है, इवन के कराची कैंट रेलवे स्टेशन का हाल भी बहुत बुरा है। वही पुरानी इमारतें, कचरों से भरे ढेर, सारा मोराल डाउन कर देते हैं वहाँ पे। अब एक स्टेशन ये देखें जो इतनी ज़्यादा खूबसूरती का मरकज़ बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी लंबे हैं, तो आराम से इस सेक्शन की पूरी आ जाती है करें तो ये देखें तो लॉक ही सारा ख़राब है, सारी गली सड़ी कोच है, स्विचेस मार के इनको फिक्स किया हुआ है लेकिन ये प्रॉपरली काम नहीं हुआ। सारा गंदा मंदा काम जो होता है ना वो इन कोचों पे करके जो है ना ट्रेन को चलाया जा रहा है। ये देखें ये डैमेज है, फिर तो उसके बाद इसका भी यही हाल है, इसका भी लीवर टूटा हुआ है। एक नट बोल्ट पर जो है ना काम लगाया भाई, यहाँ से शीशा गायब है। उसके बाद वो सामने देखें लाइट का जो क्या कहते हैं कवरिंग है वो टूट के नीचे लटकी हुई है। यहाँ पे गेट उसका बुरा हाल हुआ था, वो देखें ये तो हाल है कोच का, इसकी अंदर बाहर हो रहा है सारा कोच का। और उसके अलावा ये जो है इसकी फेंसिंग ये सारी ख़राब है। बाकी वॉशरूम की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है, ख़राब है। ये तो हाल है ट्रेन का, इस पर भी आवाम कहती है हमें जो है ना कोई भी सजेशन नहीं देनी इसको ठीक करने के लिए। कलियम अवान पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे ZCU-20 एक ट्रेन के साथ खड़ा हुआ है। तो ये ट्रेन कौन सी है ये भी देख लेते हैं।
इसके अंदर नई लगेज वैन लगी हुई है। अभी जेड सी यू विसल करेगा यहाँ पे और गाड़ी को लेके निकलेगा। चौंसठ तीन के साथ खड़ी हुई है गाड़ी, है सारी इकोनॉमी क्लास है मेरे ख्याल से। ये शायद डाउन में हज़ारा एक्सप्रेस है। लाहौर रावलपिंडी लाहौर, ये कोई और गाड़ी है, ये मेरे ख्याल से रेल कार है। ये रेल कार, हाँ 104 डाउन है ये। सुबह खरम रेल कार, रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रहे हैं। इसके बाद आगे चकलाला आएगा, चकलाला के बाद हम लोग पहुँच गए पिंडी से आला। यहाँ पे भी स्लीपर इन्होंने बदले हुए हैं सारे, जो पुराने स्लीपर थे उनको जो है ना नए कंक्रीट स्लीपर में तब्दील कर दिया इन्होंने ट्रैक की स्टेबिलिटी के लिए। डिज़ाइन के साथ है ये 39। अब जाफर एक्सप्रेस जो है अभी रवाना हो रही है रावलपिंडी से और हम लोग जो है अप्रोच कर रहे हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन को भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 असाइन किया है, 4 पे जाएगी हमारी ट्रेन। रावलपिंडी अभी पहुँचे हुए थे, मुजाफर से रवाना हो गए। मेरी और उनसे जो है ना मुलाकात बड़ी बदकिस्मत रही, नहीं पहुँच पाए हम लोग। हम लोग आउटर पे पहुँचे और वो लोग जो है ना वहाँ से निकल रहे।
जगह हमें भी देखें। और चार नंबर पे लेके जा रहा है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन को आने का परवाना मिला है, मतलब इजाज़त मिली है। और जाफर जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना हुई है। से चलने का क्या टाइम? रहमान बाबा का मेरे ख्याल से सुबह में जाती है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता टाइम, मुझे पता कि सुबह जाती है। वहाँ से भी सुबह निकलती है? हाँ, वहाँ से सुबह 10 बजे निकलती है रहमान बाबा। यहाँ 10 बजे का टाइम है पहुँचने का? हाँ। हाँ, इधर ही है। ट्रेन रुक जाए फिर आराम से उतर जा सारे, ट्रेन ही जा रही है। यहाँ पे जो है आवाम खड़ी हुई है इस्लामाबाद एक्सप्रेस के लिए, और इस्लामाबाद एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट अभी हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है इस्लामाबाद एक्सप्रेस। यहाँ पे हमारा एक सफ़र एक और ख़त्म हुआ। अब यहाँ से एक और सफ़र हमारा रह गया जो कि हवेलियाँ का, और वहाँ से वापसी का। तो चलें वो भी सफ़र अपना पूरा करते हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस आ गई है GU 24561 के साथ। पाकिस्तान भी लेट आ रही है। पाकिस्तान एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे।
और अभी टाइम हमारे पास हो रहा है 6:20, तो 6:30 पे पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है रावलपिंडी, वो ही मेरे ख्याल से 3 घंटे लेट है। तो बस अभी हमारी गाड़ी जा रही है रावलपिंडी से, रवाना हो चुकी है 6:20 पे। सामने डैमेज कोचेस खड़ी हुई हैं जो कि मुगलपुरा की तरफ जाएंगी और कुछ CFI को मिलेंगी दोपहर के लिए, जिन पे CFI मार गए ये CFI में जाएंगी। हमारी ट्रेन का इंजन यहाँ से चेंज हुआ है, PHA 20 के बजाय अब यहाँ से HBU 20 लेके जाएगा।
आपको शेड बना हुआ है रावलपिंडी का।
स्प्लिट हो जाएगी। चलने के बाद सबसे पहला स्टेशन आ रहा है, अब ये देखते हैं ये स्टेशन कौन सा है, इसकी जो साइडिंग है वो किस साइड पे आएगी। हाँ उल्टे साइड पे आ रहा है, मेरे हिसाब से दूसरी साइड पे भी है इसका प्लेटफॉर्म बना हुआ। कोशिश करी है क्योंकि पहले ज़माने में चला कर दी तीन लोगों का देखे थे, यहाँ पर अच्छे लोगों मोटे भी है बीस में पैंतीस का मुझे लोग और उसके साथ साथ तीन लोगों मोटे भी बना रहे हैं। गोलरा शरीफ आया है तो नीचे जाके दोस्तों ने मिलते हैं। आओ जी मिल गए हमारे दोस्त। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? सुनाएं कैसे? छोटे सादे मोहतरम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सर कह सकते हैं आप एक तरीके से, आपको देख के बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। पैदल तो नहीं आई जा रहा पिंडी से, इतना वेट कराया अल्लाह के फजल। यार वो पहले इस्लामाबाद आ गई, इस्लामाबाद के बाद फिर अब पीछे पाकिस्तान आ रही थी, फिर हमारी बारी। इससे पहले जाफर गई है ना, बिलाल भाई गए हैं उसमें। बिलाल भाई लग रहा है मैंने आवाज़ दी है कोई सुनी नहीं। बिलाल भाई कहते हैं मैंने आवाज़ा मारो, मैं नहीं सुनी किसी की। और सर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी खाली हाथ आया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए मैम। अच्छा वापसी कब है? आज ही रात को इसी ट्रेन से पिंडी जा रहे हैं। हाँ पिंडी आऊँगा। कब तक है यहाँ? तीन दिन। तीन दिन चले जी, सी एम गाड़ी चल पड़ी है। चले यहीं पर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ये है जी वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमारे सैफ भाई रेल लवर्स पीके वाले। सर आपका सफर अल्लाह खैर आफियत से लेके जाए, बच्चों को पीछे कर लें। जी बिल्कुल, खैर से जाइए, अल्लाह हाफिज़, पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये है गोलरा शरीफ की बिल्डिंग, 1881 में बनी हुई है और
इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत शानदार है। एक तो यहाँ पे आइकॉनिक म्यूज़ियम भी बना हुआ है इसका, आज तक विज़िट नहीं कर पाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आया तो इधर आके इसके म्यूज़ियम को विज़िट ज़रूर करेंगे। काफ़ी यादगार चीज़ें इसमें पड़ी हैं पाकिस्तान रेलवेज़ की। गोलरा श्री और ये एक जो है मैनुअल क्रेन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आया तो गोलरा श्री पूरा कवर करना है, बहुत ज़बरदस्त स्टेशन बना हुआ ये। सूरज भी ढलने को है, बस कुछ ही देर में सूरज भी ढल जाएगा और सामने जो है वो पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं। उससे पहले का टिकट चेकर जो है ना मुझे पकड़े। आता है
जा रही है ना उधर है ठीक है ये वाली जो सामने लाइन है ये जा रही है पेशावर की तरफ और हम जिस लाइन पे चल रहे हैं ये हवेलियाँ की तरफ जा रही है लाइन और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे उल्टे आते आ रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू हैं यहाँ के भी। साउथ केबिन टेस्ला कैंट तो यहाँ पर जो है ना मुझे गाय घास चरती भी नज़र आ रही हैं। शाम का वक्त है ठंडा ठंडा मौसम।